रहीम स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम। होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द हेल्दी वेकेशन। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कोरोना वायरस। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल करके कोरोना वायरस से ख़ुद को सेफ रखा जा सकता है और अपने इर्द गिर्द लोगों की भी हिफाजत की जा सकती है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, जिनमें नंबर वन है वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को बाकायदगी से धोया जाए पानी और सोप की मदद से, और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जाए। अवॉइड टचिंग योर आईज नोज़ एंड माउथ। अपनी आँखों को नाक को या मुंह को हाथ लगाने से परहेज़ की जाए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल एंड स्टे होम इफ़ यू आर सिक। बीमार लोगों से मिलने में एहतियात बरती जाए, और अगर आप बीमार हैं तो घर से निकलने से परहेज़ करें। कवर योर माउथ एंड नोज विद अ टिश्यू और अ स्लीव व्हेन यू कफ और स्नीजिंग। जब आपको खांसी हो रही हो या आपको छींकें आ रही हों, तो इन दोनों सूरतों में अपने मुंह और अपने नाक को टिश्यू की मदद से कवर रखें, और उस टिश्यू को बाकायदा तौर पे डिस्पोज ऑफ कर दें, यानी कि उसको ज़ाया कर दिया जाए। ये थी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जिन पर हमने बात की। अब हम चलते हैं एक साइंटिफिक फैक्ट की तरफ। साइंटिफिक फैक्ट में एक साइंटिफिक फैक्ट ये है, जैसा कि एक साइंटिफिक फैक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जैसे कि हम साइंस की क्लास में मौजूद हैं, हम इस पर बात करते हैं। ईटिंग मैंगो क्योर्स द न्यू कोरोना वायरस एज द एसिड इन द फ्रूट किल इट। Fact, no, there is no scientific evidence that mango kills the new coronavirus. However, WHO recommends consuming adequate fruit and vegetable as a part of a healthy diet. इसमें लिखा गया है कि क्या कोरोना वायरस को क्योर करने में, उसके इलाज में मैंगो हेल्प कर सकता है, उसमें मौजूद एसिड इस वायरस को किल कर सकते हैं। तो फैक्ट है नो, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। बट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात रिकमेंड की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और उनको इस्तेमाल करें, ताकि उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके और वो कोरोना वायरस से लड़ने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर सकें। इसलिए आप मैंगो यूज़ कर सकते हैं। मैंगो के अलावा बाकी तमाम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप हेल्दी हों, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है डस सनलाइट किल द न्यू कोरोना वायरस। हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हम साइंस पढ़ भी रहे हैं, साइंस की क्लास में मौजूद है। गिव मी द आंसर प्लीज़। डस सनलाइट किल द न्यू कोरोना वायरस। जैसा कि हम पहले कुछ अपनी क्लासेस में वायरसेस और बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ चुके हैं, फैक्ट है देर इज़ नो एविडेंस दैट द सनलाइट किल्स द न्यू कोरोना वायरस। शुरू में इस तरह से कहा गया था कि कोरोना वायरस जो है वो सूरज की धूप में या ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए धूप का इस्तेमाल किया जाए और धूप में जाया रहा जाए। ये फैक्ट इसलिए पेश किया गया था क्योंकि बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ज़्यादा टेम्परेचर पर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोरोना वायरस के बारे में ये बात कही गई थी। बट ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, इसलिए हम इस पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर सकते। बहरहाल सनलाइट आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, इससे आपको विटामिंस हासिल होते हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। विटामिन डी आप हासिल कर सकते हैं सनलाइट से। इसके अलावा बाकी बैक्टीरियाज और वायरसेस जो आपकी बॉडी पे मौजूद होते हैं, डेफिनेटली वो किल हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आप सनलाइट यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव दैट कोरोना वायरस किल्स इन द सनलाइट। ये कुछ फैक्ट्स थे जिन पर हमने बात की। नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। हम इससे सेफ रहने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ खुद सेफ रहेंगे बल्कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल करके हम दूसरों को भी सेफ रखेंगे इंशाल्लाह। नाउ इन दिस क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द सिलेबस। सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म इंक्लूड्स द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का पार्ट वन हम नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, जबकि बाकी तमाम सिस्टम्स को सेकेंड और थर्ड टर्म में पढ़ा जाएगा। सेकेंड यूनिट इज़ एनिमल वर्ल्ड, द थर्ड यूनिट इज़ एनवायरमेंट, एंड द फोर्थ यूनिट इज़ हीट। हीट, लाइट एंड साउंड जो कि एक मुकम्मल चैप्टर है,
जिसके पार्ट वन यानी कि हीट को डिस्क्राइब किया जाएगा और पढ़ा जाएगा यूनिट वन फर्स्ट टर्म में, जबकि बाकी दोनों पार्ट्स को हम इंशाल्लाह सेकेंड और थर्ड टर्म में पढ़ेंगे. नाउ आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ टेक आउट योर हैंड आउट्स एंड बुक्स टू ईजिली अंडरस्टैंड द लेक्चर. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अपना यूनिट नंबर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी बहुत से सिस्टम की मदद से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है. एक ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स मौजूद होते हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद हैं, जो कि ये हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. ऑल सच सिस्टम्स हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज शोन इन ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. जैसे कि बताया गया है कि नर्वस सिस्टम का जो पहला और अहम फंक्शन है वो ये है कि ये कंट्रोल सेंटर कहलाता है आपकी बॉडी का. इसे कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी का वो पार्ट मौजूद है जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और वो पार्ट ब्रेन है. ब्रेन आपको डायरेक्शंस देता है, ब्रेन आपको मैसेजेस सेंड करता है, ब्रेन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से मैसेजेस रिसीव करता है. इसलिए ब्रेन को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, और ये सिस्टम इसी वजह से कंट्रोल सेंटर कहलाता है क्योंकि इसमें ब्रेन मौजूद है. लेट्स मूव टू द सम मोर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम. द फर्स्ट वन सीन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड इट टू द ऑर्गेन इनसाइड द बॉडी. इसका मतलब ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम बाहरी दुनिया से मालूमात हासिल करके हमारे बॉडी ऑर्गेन्स तक पहुंचाता है. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी: इफ़ यू स्टैंड, इफ आई ऑर्डर यू टू स्टैंड अप इन द क्लास, देन आफ्टर गेटिंग साउंड थ्रू एयर योर नर्व्स रिसीव दिस मैसेज एंड प्रोवाइड दिस मैसेज टू योर ब्रेन थ्रू न्यूरॉन सेल्स एंड योर ब्रेन सर्कुलेट दिस मैसेज टू योर बॉडी. अगर मैं आपको क्लास में एक ऑर्डर देती हूँ दैट स्टैंड अप, ये साउंड जैसे ही आपके एयर ड्रम्स पर वाइब्रेट करेगा, आपकी नर्व्स ये मैसेज लेकर न्यूरॉन सेल की मदद से आपके ब्रेन तक पहुँचेंगी, और आपका ब्रेन इस मैसेज को सर्कुलेट करेगा वापस नर्व्स और न्यूरॉन सेल की मदद से कि आपकी बॉडी खड़ी हो जाए. यानी कि आपकी बॉडी को ये मैसेज किसने प्रोवाइड किया? ब्रेन ने. द सेकेंड वन फंक्शन इज दैट इट टेल्स द बॉडी हाउ टू रीच और हाउ टू रिएक्ट. ये हमारी बॉडी को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है. मसलन अगर आपका हाथ आयरन से टच कर जाए तो इस तरह आपके हाथों में मौजूद नर्व्स ये मैसेज आपके ब्रेन तक न्यूरॉन सेल्स की मदद से पहुंचाती हैं, और फाइनली हमारा ब्रेन ये मैसेज हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है दैट योर हैंड्स टू पुल बैक, कि हाथ को पीछे हटा लिया जाए. अगर आपको ये मैसेज ब्रेन प्रोवाइड ना करता तो आप ये एक्शन परफॉर्म ना कर सकते. आपका ब्रेन आपको डायरेक्शंस देता है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और आपको किस तरीके से अपने टास्क परफॉर्म करने हैं. नाउ द थर्ड वन फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स मिलियंस ऑफ मैसेजेस एवरी मोमेंट टू योर बॉडी ऑर्गेन्स, कि ये हमारी बॉडी ऑर्गेन्स को एक लम्हे में मिलियन मैसेजेस ट्रांसफर कर रहा होता है. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड आपके पास एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पे मौजूद है. नर्वस सिस्टम्स पार्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहा जाता है, एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाइल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स शामिल हैं. इन तमाम पार्ट्स को हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में डिटेल से बयान करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो. जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में
एक मस्कीटो का काटने से लेकर ऑरेंज को टेस्ट करना या फिर आपका ब्रीथिंग प्रोसेस हो, कोई भी चीज़ है वो नर्वस सिस्टम के तहत ही हो रही होती है। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं। पहले ब्रेन को डिस्क्राइब करते हैं। ब्रेन को हमारी बॉडी का मैसेज सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया से मैसेज रिसीव करके आपके बॉडी ऑर्गेन्स को मैसेज सेंड करता है। इस तरह से इसे मैसेज सेंटर कहा जाता है। ब्रेन स्कल के जरिए प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि ब्रेन को जो चीज़ प्रोटेक्शन दे रही है वो हमारा स्कल है। ब्रेन को हर तरह के डैमेज से हमारा स्कल प्रोटेक्ट रखता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। द सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो अपर पार्ट यानी कि ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। और सेरेब्रम को फोर पार्ट्स में मजीद डिवाइड किया जा सकता है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेरेब्रम जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं, दैट इट कंट्रोल्स योर विजन, ये हमें देखने की सलाहियत, हमारा किसी चीज़ को स्मेल करना, इमोशंस, टच और मेमोरी, इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल सेरेब्रम से लिंक करता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं सेरेब्रम की तरफ, द सेकेंड पार्ट। सेरेब्रम जो सेरेब्रम के लोअर एरिया में लोकेट करता है, ये सेरेब्रम के लोअर पार्ट में आपको मौजूद नज़र आएगा। सेरेब्रम का फंक्शन हमारी बॉडी के बैलेंस और मूवमेंट पर कंट्रोल रखना है, कि हमने किस तरह से बॉडी को मूव करना है, हमारी बॉडी में बैलेंस किस तरह बरकरार रहेगा, ये तमाम चीज़ें सेरेब्रम के थ्रू होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेड्यूला, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, लिंक करता है, यानी कि ब्रेन को बाकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम मेड्यूला करता है। और मेड्यूला की मदद से ही ब्रेन अपने तमाम मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र करता है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नर्व्स। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंड ग्रुप ऑफ नर्व्स। एक ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में बंचेस और बंडल की सूरत में नर्व्स मौजूद होती हैं। इन मौजूद नर्व्स में पाए जाने वाले सेल को न्यूरॉन सेल कहा जाता है। इस तरह से ये हमारे कुछ पार्ट्स थे जिनको हमने डिस्क्राइब किया, जो हमारे नर्वस सिस्टम में अहम रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इन नर्व्स की मदद से बहुत ज़्यादा यानी कि लातादाद मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। नाउ लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ ऑल दिस क्लास। हमने इस क्लास में क्या पढ़ा? नंबर वन, सबसे पहले हमने अपने सिलेबस को डिस्क्राइब किया। नंबर टू, ह्यूमन बॉडी चैप्टर स्टार्ट किया गया। ह्यूमन बॉडी में जिस सिस्टम्स के नाम आपको बताए गए थे, उन तमाम सिस्टम्स के नाम कुछ ये हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इन तमाम सिस्टम्स में से जिस सिस्टम को पढ़ा गया वो सिस्टम था नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के बहुत से अहम पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में आपको मालूमात फराहम की गई। नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि ये हैं: नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड टू द इनसाइड ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के इनसाइड ऑर्गेन्स को बाहरी दुनिया से मालूमात फराहम करता है। एंड इट डायरेक्ट्स द बॉडी, ये हमारी बॉडी को और बॉडी ऑर्गेन्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो हमने अपने नर्वस सिस्टम में ट्रीट किए। अब हम चलते हैं इसकी पार्ट्स की तरफ, जो हम पढ़ चुके हैं उसका रिव्यू लेते हैं। नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, नंबर वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी नर्व्स शामिल हैं। ब्रेन के बारे में पढ़ा गया कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है,
उसको क्या कहा जाता है, सेरेब्रम कहा जाता है। इस लार्जेस्ट पार्ट को फोर पार्ट्स में मजीद डिवाइड किया जा सकता है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। अब चलते हैं सेरेब्रम की तरफ। सेरेब्रम हमारी बॉडी के बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ये सेरेब्रम के लोअर पार्ट में लोकेट करता है, वहाँ मौजूद होता है। थर्ड पार्ट था ब्रेन का, मेड्यूला। मेड्यूला आपके ब्रेन को आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक करता है और मैसेजेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नाउ हमारे नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, नर्व्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नर्व्स हमारी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। नर्व्स में मौजूद सेल्स को न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है। इन नर्व्स की मदद से हमारी बॉडी लाखों मैसेजेस, यानी कि मिलियन मैसेजेस हमारी बॉडी ऑर्गेन्स को ट्रांसफ़र कर रही होती है। ये आज हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम की फंक्शंस और उसके पार्ट्स के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपने ब्रेन के पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे और इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू रीड योर यूनिट नंबर वन, ह्यूमन बॉडी, बाई यूजिंग योर बुक। एंड द सेकेंड वन, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑन योर नोटबुक बाई यूजिंग योर बुक्स, एंड स्पेशली द नर्वस सिस्टम डायग्राम। नाउ इट्स इन बुक। दीज टू आर योर होमवर्क असाइनमेंट एंड यू शुड हैव टू कम्प्लीट दिस। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। इट्स टाइम टू लीव एंड वाइंड अप द क्लास। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आर लेसन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे प्रोटेक्टेड। अस्सलामु अलैकुम।